कठपुतली कला जो लोग करते रहे हैं कभी भी, कठपुतली कला में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंस रखती थी, वो थी कंट्रोल, है ना? क्यों शिवानी जी, कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कोई ना कोई कंट्रोल किसी न किसी के ऊपर रखता है। तो जीवन में भी हमारे जो है, हमारे हाथ में हमारा कंट्रोल होना चाहिए, खुद का भी कंट्रोल होता है बहुत। 90% आप लोगों के साथ अनुभव ये गुजर रहा होगा, आप लोग अपने आप पे ही नहीं लड़ पा रहे होंगे, है ना? आदमी का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रहता है, सही बात है कि नहीं? हम अपनी लड़ाई हार जाते हैं, दुनिया को जीतने निकले हुए हैं लेकिन अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। जो कठपुतलीकार होते थे उन पे, जो अच्छे कठपुतलीकारों के नाम हैं, उनका सिर्फ एक ही चीज़ रहता था, कठपुतली पे कंट्रोल, कैसे किसी को नचाना है। तो दूसरे को नचाने की बात आती है तो हम खूब अच्छे से नचा सकते हैं, कहते नहीं परेशान कर दूंगा तुझे, तबाह कर दूंगा, है ना, मुझसे पंगा मत लेना। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो अपना कंट्रोल अपने हाथ से जा चुका है, अपनी में आदमी गड़बड़ा जाता है। अब हमको कौन कंट्रोल कर रहा है फिर, ये क्वेश्चन निकलता है। गर्मी कंट्रोल कर रही है, किसी को गर्मी चढ़ जाती है तो गर्मी कंट्रोल करती है, किसी को ठंडी कंट्रोल करती है, यानी मौसम कंट्रोल कर रहे हैं आपके हिसाब से। और कौन कंट्रोल करता है, हमको कौन कंट्रोल करता है? देखो सोचने का विषय है ये बहुत। हाँ, चेतना कंट्रोल, चेतना कौन है? हाँ, फोन कंट्रोल कर रहा है, देखो फोन कंट्रोल कर रहा है। मैं भी कंट्रोल कर सकता हूँ, एक मिनट लगेगा आपको, आपके ब्रेन को मैं कंट्रोल कर दूंगा। मैं आपको बुलाऊंगा 2 मिनट के लिए, बुलाते ही बोल दूंगा तुमसे नहीं हो पाएगा, कहाँ बैठे हो, शकल देखिए अपनी, पहले जाओ आईने में सफल देख के आओ, चेहरा धुल के आओ, कहाँ से आ गए तुम? तुरंत आपका कंट्रोल आपसे चला गया, 1 सेकेंड में कोई चाहे तो आपका कंट्रोल अपने हाथ में लिया जा सकता है, बड़ा आसान काम है। तो एक बहुत बड़ा इशू है, नियंत्रण किसका किसके हाथ में है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये पूछने की बात है, खुद से भी पूछने की बात है कि मेरा नियंत्रण किसके हाथ में है, क्या मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है? ये बहुत बड़ा इशू है, सच बता रहा हूँ। आज दुनिया दुखी किस चीज़ को लेकर है, क्योंकि उसका कंट्रोल उसके हाथ से निकल गया है। गाड़ी चलाते हो आप, गाड़ी में देखते हो कि गाड़ी को आप जैसे कहते हो, स्टेयरिंग कहते हो, घूमना है दाएँ घूमती है, बाएँ है बाएँ घूमती है, एक्सीडेंट तब होता है जब कंट्रोल हाथ से चला जाता है। ना उसका पैर क्लच में रहता, ना ब्रेक में रहता, स्पीड में भी कभी कभी स्पीड बढ़ जाती है तो सीधा जहाँ जाना वहाँ जाए। तो एक चीज़ सीखने को मिलती है गाड़ी से भी, कि गाड़ी उतनी ही चलानी चाहिए जहाँ तक कंट्रोल रहे, उसी स्पीड तक आप जाइए जितना आप कंट्रोल संभाल सकें। चलाने को तो लोग, फार्मूला वन वालों को देखा है कभी, बुद्धा सर्किट यहाँ पे कभी हो यदि तो आप जाइए फार्मूला वन देखने, चलाने को 300, 350, 400 तक माइकल सुमाकर जैसे लोग चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जैसे ही कंट्रोल छूता बहुत लोग निपट भी जाते हैं। मोटर बाइक में आप देखिएगा, एक वो आपका कौन सा त्यौहार है, मुहर्रम का त्यौहार है, जिसमें मोटर बाइकर्स जो है, हाँ वो कौन सा है, बफे बारात वगैरह, सबे बारात है, माफ़ कीजिएगा, सबे बारात में बने, मैं दिल्ली में सबसे ज़्यादा देखा हूँ, कई बार जब कभी हुआ कि चलो देखने चलते हैं तो बाइकर्स होते हैं, ओ खड़े हो जाएंगे, गाड़ी में कंट्रोल इतना अच्छा है उनका कि पीछे खड़े हो जाते हैं और सीधा स्टंट बाज, गाड़ी आगे सीधा एक पहिए में चल रही है। कभी 26 जनवरी में जाइए परेड में, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे हैं कि घूम रहे हैं, उन्होंने फैन लगा दिया गाड़ी पे, आदमी घूम रहा है, मोटर बाइकर्स। तो मुद्दा कंट्रोल का है, जब तक आपका कंट्रोल आपके हाथ में है सब कुछ ठीक है। कंट्रोल गया 1 सेकेंड में पूरा प्लेन का प्लेन क्रैश हो जाता है। तो ये हमारी एक छोटी सी लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ, और ये बहुत आसान चीज़ है कि आप इस पे कंट्रोल बना के रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। लोग परेशान होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग भी मानसिक तौर पे बेचैन हो जाते हो, वो उलझन कोई दूसरा नहीं दे रहा है, आपका कंट्रोल आपसे जा चुका है। आप मुझे 4 बातें कह दो, यदि मेरा कंट्रोल चला जाए, मेरा कंट्रोल यदि मुझ पे है तो मैं आपकी बातों से विचलित होने वाला नहीं हूँ। विचलित मैं तब होता हूँ जब मेरा नियंत्रण मुझ में नहीं रहता है, वहाँ से फिर मैं कुछ भी बोल सकता हूँ आपको, कुछ भी कह सकता हूँ आपको। मानसिक तौर पे पागलपन इसी को कहते हैं। तो अभी जहाँ तक स्टूडेंट लाइफ में होता है कि बीच बीच में आप लोग का कंट्रोल आपसे हटता जाता है, रीज़न क्या है, कभी रीज़न सॉर्ट आउट किया है कि ये कारण से मेरा कंट्रोल मुझसे गया है? कोई किसी का व्यक्तिगत डेली होता होगा, आम तौर पे अभी भी हो सकता है, बेचैनी, बैठे हो बेचैन हो,
अभी भी आपका ब्रेन कहीं और हो। हो सकता है क्लास में कुछ लोग सिर्फ शारीरिक रूप में बैठे हों, नियंत्रण नहीं उनका अपने मन पे, तो मन कहीं और चला गया हो। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, हाँ मजाक नहीं कर रहा मैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज के टाइम पे पूरी दुनिया बर्बाद है। इंसानी प्रवृत्ति नहीं है, कंट्रोल किया जा सकता है। नो, ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दो कारण हो सकते हैं कंट्रोल नहीं होने के। पहला कारण है कि आपकी रफ्तार बहुत तेज हो, तो आप अपना कंट्रोल अपने आप से खुद से ख़त्म कर सकते हैं। कभी कभी आदमी क्या करता है, 50 चीज़ों के चक्कर में कुछ नहीं पाता है। अभी मैं बताऊँ, अभी मैं गया अपने गाँव ही था, वहाँ पर मुझे चूँकि 12वीं करके बहुत सारे बच्चे अभी निकले हैं, बहुत लोग आए, बहुत लोगों की संख्या मैं कितनी बताऊँ, बहुत लोग, ठीक है, एक एक व्यक्ति को मैं जहाँ भी जाता हूँ अब यही होता है, मेरा 90% काम यही बच गया है कि भैया मेरा छोटा बेटा है, संभालिए इनको आप। कुछ तो कहते हैं आप अपने साथ ही ले जाओ, अपना कंट्रोल खुद पे नहीं है, किसी को क्या ले जाएंगे हम। तो नाम तौर पे मैं जो बेचैनी देखा बच्चों की, बच्चे को करना क्या है उसे भी कुछ नहीं पता, घर वाले और डिस्टर्ब किए पड़े हैं। कोई कह रहा है, कोई कह रहा है BSc कर लो, कोई कहता है नहीं BA कर लो, क्योंकि उसको आगे का उसको पता नहीं, क्लियर आउट ही नहीं है। कोई कहता है लॉ कर लो, कोई कह रहा है CA के लिए BCom कर लो, मतलब ये कंडीशन है। आनन फानन में वो 12वीं के बाद बच्चा कुछ भी कर लेगा। अब वो देखो, यदि वो BSc करता है तो दिमाग में बैठा हुआ है कि BA कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरा कंपटीशन लेवल में कुछ कुछ किताबें उसकी आती हैं। कुछ कहता है BA करोगे, क्या है BA, कुछ नहीं मिलेगा तुमको BA के बाद, BSc कर लूँ। अब उसका दिमाग BA पे आ गया तो फिर दिमाग BSc पे बैठा हुआ है। समझो किस तरीके का ये साइकोलॉजी खेला जाता है। इस दौरान गार्जियन की भूमिका नगण्य हो चुकी है, गार्जियन कुछ नहीं करते आज के टाइम पे, गार्जियन कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि पैसा फंडिंग उन्हीं को देना है ना, सपोर्ट बंद कर देंगे उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो। मुद्दा इस बात का है, 2 मिनट में आपका सपोर्ट ख़त्म। तो स्टूडेंट लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंट्रोल। अभी जानते हो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको लगता होगा, देखते होगे बहुत सारे लोगों को आप देखते होगे, कुछ हो सकता है सेलेक्टेड देखते हो, कुछ ऐसे ही देखते हो, किसी को भी देख के आपको लगता होगा अरे ये बड़ा खुशी जीवन है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा पैसा कमा रहा होगा, है ना। हो सकता है पड़ोस में किसी चाचा के लड़के ने गुमटी की दुकान खोल ली हो, पान की गुमटी की, और उसकी गुमटी देख के ही अच्छी लग जाती हो कि चलो कुछ नहीं 500 रुपये डेली कमा तो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मन कैसे भी भटकता है, भटकने का कोई मुद्दा नहीं होता है। 4 पैसे कोई पा रहा होगा, 5000 ही पा रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा अरे बताओ कितना बढ़िया है, मुझसे तो बढ़िया है, मैं गया गुजरात में, ऐसा फील होता है। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कल के दिन आप कुछ भी कर जाओगे, हो सकता है कल आप 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 महीना पाओ, कुछ भी पाओ। अभी का जो आपका लाइफ है, इससे बेस्ट लाइफ आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, लिख लो। बेस्ट लाइफ होता है 12वीं के बाद से, एक तो कंट्रोल माता पिता का ख़त्म हो चुका है ना, ऐसा नहीं है कि सोते देख रहे हैं, जगते देख रहे हैं, अपनी मर्जी का सो रहे हो, अपनी मर्जी का खा रहे हो, अपनी मर्जी का पहन रहे हो, अपनी मर्जी का पढ़ रहे हो। तो ये बेस्ट टाइम चला, आपके लाइफ का गोल्डन टाइम है। कल के दिन आप अधिकारी बन जाना, ज़्यादा आज की जो बेचैनी है ना, इससे 10 गुना। ये तो प्रॉब्लम आपने क्रिएट की क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है आपके पास। नहीं, ये बेस्ट टाइम है, इससे ज़्यादा इन्जॉयमेंट आप किसी टाइम में नहीं करोगे। मैं 50 अधिकारियों से मिल चुका हूँ, जो मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, उनसे पूछता हूँ कहता रवि भाई यार पहले बहुत अच्छा था, पहले देखते थे हम, आज भी हम जब सब बैठते हैं तो बैठने के बाद वही होता है कि यार देखो पहले ऐसा करते थे, पहले, आज की बात नहीं हो रही है, पहले की बातें हो रही हैं। चूँकि आज के टाइम में आपको, आज आप बैठे हुए तो आज के सिनेरियो को आप समझ नहीं पा रहे हो, कंट्रोल है नहीं आपके हाथ में, नियंत्रण नहीं है आपको, बस वो भविष्यवाणी दिख रही है कि वो भविष्य में ये चीज़ है या वो बन गया है तो बहुत अच्छा होगा, कुछ नहीं होता। आज आप मेहनत कर रहे हो 4 गुना ज़्यादा मेहनत करने के लिए, कल के दिन आप प्रशासन में जाओगे 4 गुना ज़्यादा मेहनत है। अभी तो आराम है, अभी क्या है, 3 काम है आपके पास, सोना, खाना और पढ़ना। बता दो किसी के पास 5वां काम हो तो, 3 काम के अलावा 4था काम भी नहीं है आपके पास, सोना, खाना, पढ़ना, बताओ। हाँ, मेरे तो 3 काम नहीं है, मेरे 3 काम नहीं है, मेरे तो बहुत, परिवार भी संभालना है, ये भी करना है, इस मुद्दे को भी सॉल्व करना है, उस 50। अच्छा, लेकिन मेरा एक टाइम था कि 3 ही काम थे, खाना, सोना, पढ़ना। उस टाइम मुझे भी फील होता था जैसे आज आप फील कर रहे हो। आज खड़ा हूँ तो आज लगता था यार ये लाइफ मुझे फिर मिल जाए, जैसे आप बैठे हो ना, सब खत्म हो, छोड़ा छाड़ा जाए, छोड़ के बस पढ़ा जाए। बेस्ट लाइफ, सबसे बेहतरीन लाइफ ये है जो आप बैठे हुए हो।
अब चूंकि अब आपको इसकी इज्जत नहीं है, क्योंकि अभी है आपके पास, इज्जत तब आएगी इसके प्रति जब आपके हाथ से निकल जाएगी। शानदार, जबरदस्त, कोई टेंशन नहीं। शादी के बाद आपको लगता होगा, जिनकी हो गए उनसे पूछो, क्यों शिवानी जी, दो शिवानी हैं यहाँ पे, शिवानी वन शिवानी टू, पीछे वाली शिवानी जी, आपका ज़्यादा अनुभव है। क्या होता है शादी के बाद? कुछ नहीं होता, हाँ प्रॉब्लम नहीं है, आपका ज़्यादा लंबा अनुभव हो गया ना। शादी के बाद सबसे पहले तो बच्चे होते हैं, वो भी प्रॉब्लम है घर पे, वो फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करने देते हैं, बहुत बड़ी समस्या होते हैं, जटिल समस्या। हाँ ये भी कि घर जाते ही शादी करने के बाद पहले परिवार छोटा करो, है ना, तोड़ दो, बड़ा परिवार हो गया तो और टेंशन है। बड़े परिवार में टेंशन होती है कि छोटे में? बड़े में ज़्यादा टेंशन होती है, क्यों शिवानी जी? रोक टोक बहुत होती है, परेशान करते हैं, ये भी एक मुद्दा है, सही बात कह रहे हैं। वो खाना भी बनाना पड़ता है, बहुत सारे मुद्दे हैं। देखो महिला को तो हर जगह सहना ही पड़ता है, समाज ही ऐसा है कि महिला के लिए कहीं सुख नहीं है, जीवन भर उसको दुख ही मिलता है। कौन कहता है महिलाएं सुख रहती है? वो कल के दिन जॉब भी करती हैं तो घर जाके तब भी काम करना है। महिलाओं की दिक्कत है, गर्मी की छुट्टी मनाने जाओ कहीं और तो वहाँ भी बनाना ही है खाना, ना बनाओ तो यही होगा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या शिक्षा दी है, वहाँ तो ये कंडीशन है। फ़ायदा आप लोगों को है, सच बता रहा हूँ, पुरुषों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो सोसाइटी है, व्यवहारिक बात है, मैं कौन सा वो कर रहा हूँ। कोई कह दे महिलाओं के लिए, महिला मैं नहीं कह रहा महिला बनना अभिश्राप है ना, चार दिन खाओ जोमैटो तो पता चलेगा आपको, है ना, जोमैटो ही हो जाओगे। तो बस कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी लाइफ में अभी जो उलझने हैं ना, जो परेशानियां हैं ना, उन्हें दरकिनार रखो और इस लाइफ को इंजॉय करो, इंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। तीन चीज़ें हैं, तीन भूमिका नहीं निभा सकते, कल के दिन भूमिकाएँ बढ़ने वाली हैं आपकी लाइफ की, सिर्फ तीन हैं। सोने में तो कोई दिक्कत होती नहीं होगी, सबसे आसान काम, ज़्यादा से ज़्यादा करवा लो। अच्छा वो बेचैनी उसमें हो रही है सोने की, ठीक है। दूसरा काम क्या है आपका? सोना। दूसरा है खाना, खाने में भी ज़्यादा दिक्कत, खाने में दिक्कत ये हो सकती है कि किसी को खुद बनाना पड़ रहा होगा, एक ये प्रॉब्लम आ रही होगी, या फिर उसके पास अल्टरनेटिव है कि जितना पैसा खुद बनाने में खर्च कर रहा है वही वो आप, है ना, वो भी एक दिक्कत भरा। मेन है पढ़ना, इसको आपने बड़ा मुद्दा बना रखा है, ये बड़ा मुद्दा है, इस पर लगता है कि बड़ी मेहनत है। और मुझे लगता है कि ब्रह्मांड का सबसे आसान काम पढ़ाई ही है, अब उसको क्या कंट्रोल नहीं, बैड हैबिट्स ने आपके बर्बाद कर रखा है। जब पढ़ने बैठते हैं बुरी आदतें आपके साथ आके लग जाती हैं, वो आपको फिर पढ़ने नहीं देती हैं। वो है ना, हाँ बहुत बड़ी समस्या। ये मैं भी इस चीज़ से पीड़ित, अभी भी, अब तो उबर गया इससे। एक बीच की बात बताता हूँ, जब शुरुआत में चैनल ग्रो हो रहा था, अचानक से 1 लाख के आसपास जब सब्सक्राइबर हुए थे, और उस समय होता था कि मैं जैसे ही क्लास डालता था, अभी भी ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि जब वीडियो जाता है तो लोग पसंद करते हैं, लोग देखते हैं और रिस्पांस बहुत तेज़ी से करते हैं, तो ये होता था कि हर 5 मिनट में कमेंट देखा करता था एक टाइम। आज तो मैं कमेंट देखता ही नहीं हूँ, अब तो कुछ नहीं देखता, अब तो फ़ोन मेरे लिए बेकार चीज़ है। बस ये है कि जितना ज़रूरत हुआ, रात को 2 घंटे ही यूज होता है फ़ोन का, मैं साथ रखता ज़रूर हूँ, ना उठाता फ़ोन ना कुछ करता, इसमें हो सकता है अभी बंद भी चल रहा हो। तो आपको इससे उभरना पड़ेगा, देखो यही कंट्रोल की बात होती है, अपना एक टाइम निर्धारित कर लो। मेरे पास आता है कि अच्छा बच्चों के मैसेज आए होंगे, मेरे पास 2 घंटे का टाइम है शाम का, वो 2 घंटे देखना ही है तो देखना है, बाकी इसके बाद फ़ोन किसी की हिम्मत हो दिखा के दिखा दे, फ़ोन की हिम्मत हो वो दिखा के दिखा दे, क्योंकि इसमें जितना भी उस तरीके की चीज़ें होती है सब रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सब ख़त्म कर दिया। तो आपके ऊपर है, अब आपका मुझे पता है कि मेरा टाइम कहाँ जाना चाहिए, मेरा टाइम इसमें जाना चाहिए, फ़ोन पे ये बेस्ट कराएगा मेरा टाइम, मुद्दा ये है, तो इस पे टाइम मत दो। कौन कह रहा है देने को बताओ? आपका दिमाग ही कह रहा है ना, आपका ब्रेन खेल रहा है ना आपके साथ। देखो एक चीज़ बताओ, मैं तो महीनों घर पे बात नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि घर पे कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है, घर पे बड़ी घटना हम इसी को मानते हैं।
हाँ नहीं ये तो चलेगा, वो आधुनिक रंगमंच पे आ रहे हैं, रंगमंच ही तो चल रहा है जिंदगी का। ये भी छोटा फोन रखने की जरूरत, मुझे लगता है फोन इसलिए रख रहे हो ना, घर वाले हैं आपके, है ना, घर वाले कहीं ऐसा ना हो जाए कि डेथ कर जाए कोई और मेरे पास खबर ना पहुंचे, यही तो हो रहा है। एक साल डेढ़ साल से तो कोई डेथ किया नहीं होगा, मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ। ऐसा लगता है कि अचानक से हो गया फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, कुछ नहीं होता, आपका भ्रम है। स्टूडेंट लाइफ में जब तक हो सब साइड में रखो। मैं अपना बताता हूँ, एक कड़वा घूट, मेरे नाना जी ख़त्म हुए थे और जो कि हमारे बहुत नज़दीक थे, मैं नहीं जा पाया था और नहीं गए थे हम, पढ़ उस समय था पढ़ाई का टाइम, मुझे पता था कि मैं नहीं जाऊँगा तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो जाएगी, लास्ट मोमेंट था, लेकिन ये था कि जाएंगे तो 20 दिन का ख़राब होगा, डिस्टर्बेंस होगा। अब ये नहीं है, अब देखो यहाँ पे आज फील करता हूँ, आज मैं खुद सोचता हूँ कि यार काश उस टाइम पे जाना चाहिए था, लेकिन था उस समय रिदम बना हुआ था अपना जीवन में। अब ऐसा नहीं कि घर वाले बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो बिना मतलब कीजिए, घर वालों को जुकाम भी होता है तो बताते हैं, तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, वो तो शरीर को कुछ ना कुछ बना रहेगा किसी तरीके का, तो फ़ोन को त्याग दो, रहेगा भी तो भी इसमें फ्लाइट मोड लगा के रखो। अभी मेरे फ़ोन में एक फ़ोन में फुल फ्लाइट मोड लगा जिसमें सबसे ज़्यादा घंटी आती है, हटा लो जिसको हटाना है, तो ये आपके ऊपर है। और मैं फ़ोन ऑन कर दूँ मैं गारंटेड बताता हूँ आप लोगों के फ़ोन कुछ नहीं बजेंगे, इतना बजता है, इतना बजता है कि बस पागल हूँ मैं इस समय। कौन कौन कहाँ कहाँ से फ़ोन करता है, किसकी किसकी, यहाँ तक कि जो रिश्तेदार मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं जानते थे वो भी अब कहते हैं कि अरे आज़ाद जी बोल रहे हैं क्या, एक बार आइएगा तो घूम के ज़रूर जाइएगा। हमने कहा कि 3 साल से तो आपका आता पता नहीं था, ऐसा ऐसा कंडीशन होता, लेकिन नहीं मतलब तो नहीं मतलब, क्या मतलब इन सब चीज़ों का, ये कुछ नहीं होता। देखो तीन चीज़ समझो, आपको लग रहा हो कि आपको लोग चार लोग जानने लग जाएंगे, जानना ना जानना कुछ नहीं होता है, ये सब 4 दिन की चांदनी फिर पुरानी रात है। आज आपको लग रहा होगा नाम बदनाम होने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड में आदमी बदनाम हो जाता है, राम रहीम 1 सेकंड में बदनाम हो गए, लेकिन उनके कृत्य थे वैसे, मैं कहने की बात है कर रहा हूँ, एक इतनी बड़ा यूथ उनको पूज रहा था, आसाराम को इतना बड़ा यूथ पूज रहा था, 1 सेकंड लगा लोगों ने उनको, थोड़ी सी घटना आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी कलंक लगा आप बदनाम हो जाओगे। नाम बदनाम टेम्परेरी चीज़ है, पैसा आज है नहीं है टेम्परेरी चीज़ है, पैसा आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या कि आ गए आप तुर्रम खान बन गए। रावण के पास तो सोने की लंका थी, पूरा का पूरा घर ही सोने का था, कितना पैसा रहा होगा बंदे के पास, टेम्परेरी चीज़ है। बस ये है कि आप अपने पथ से मत भटकिए, आपका जो काम है उसे करिए, अभी आपको पढ़ना है, आप स्टूडेंट हो, इन सब चीज़ों से ख़त्म हो, अपने ऊपर कंट्रोल लाओ। अभी नियंत्रण नहीं लाओगे ज़िंदगी में कभी नियंत्रण नहीं आएगा, अभी गाड़ी अनबैलेंस्ड हो जाएगी तो फिर कभी नहीं आप बैलेंस में आ पाओगे, नियंत्रित नहीं कर सकते अपने आप को। दोनों चीज़ें साथ साथ चले, फ़ोन भी चले और साथ साथ पढ़ाई भी चले। मैं कब कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल साधु बन जाओ, बाल घटवाओ और इसके बाद आराम से जो है ना, पहले के ज़माने में होता था कि गर्मी ज़्यादा लगती थी तो घर वाले बाहर घुटवा देते थे, आज के टाइम पे क्या होता है, फ्रिज से पानी आ जाता है ना, आइसक्रीम लेके खरीद के दे दी जाती है बच्चों को, अब कोई बाल नहीं घुटवाता कि गर्मी ज़्यादा लग रही तो बाल घुटवा लो, गया ज़माना। इनसे पूछे कितना सुख में है, मेंटेनेंस तो कम हो गया, अब नहाने में तुरंत 1 सेकंड लगता है, पानी नीचे, तौलिया भी लगाने की जरूरत नहीं है, शैम्पो से बच गए, काढ़ने से जो घंटों शीशों के सामने खड़ा होना पड़ता था। स्टूडेंट लाइफ में तो रहना ही चाहिए, पूरा ये रूल बना दो। पहले होता था वैदिक कर्मकांडों में, जब स्टूडेंट जाता था शिक्षा ग्रहण करने पूरा टकला, 3 चीज़ें नहीं होती थी, क्या है, पहला आकर्षण नहीं होता था किसी के प्रति, गंजे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मुझे कोई देख के ज़्यादा, सही बोल रहा हूँ गलत, सही है, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। अच्छा चलो ठीक है, अब चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब मुद्दा इधर उधर चला जाएगा।